माननीय सदस्यगण, मैं एक बार फिर से इस प्रस्ताव को रखता हूं। वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनके पद से हटाने हेतु संकल्प का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव को विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वर्तमान अध्यक्ष को पद से हटाए जाने पर सहमति की पड़ी हुई। माननीय सदस्यगण, इस पर पुनः विभाजन द्वारा मत की मांग की जा रही है। अब हाँ पक्ष वाले खड़े हो जाएं और सचिव अपना गन्ना कराएं। खड़ा हो जाइए, जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हैं खड़ा हो जाइए, ना हाँ पक्ष के। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और अब वोटिंग हो रही है। जो भी हां के पक्ष वाले हैं, यानी जो तमाम विधायक ये चाहते हैं कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होना चाहिए, वो खड़े हो गए हैं और अब उनकी काउंटिंग चल रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यानी हां के पक्ष वाले जो तमाम विधायक इस वक्त सदन के अंदर मौजूद हैं, वो खड़े होकर अपनी रजामंदी दे रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव को। तो और जानकारी ये मिल रही है कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है, क्योंकि संख्या बल पूरी तरह से एनडीए के साथ है। लिहाजा स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उन्हें पद से हटाने के लिए, वो पास हो गया है। रूपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रूपेश, इस वक्त क्या चल रहा है, जरा डिटेल में बताएं। देखिए, ध्वनि मत से स्पीकर को हटाए जाने का जो प्रस्ताव का संकल्प था, वो संकल्प ध्वनि मत से पास हो गया है। लेकिन चूंकि विपक्ष का की ये मांग थी कि मत विभाजन कराया जाए, वो सहमत नहीं है कि ध्वनि मत से ये प्रस्ताव पास हो, क्योंकि आसन की ये प्रेरोगेटिव है कि वो ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये प्रस्ताव के खिलाफ ध्वनि है या फिर प्रस्ताव के खिलाफ ध्वनि है। लिहाजा यहाँ उपाध्यक्ष ने ये अनुमान लगाया कि प्रस्ताव के खिलाफ में बहुमत है, लिहाजा वो प्रस्ताव ध्वनि मत से पास किया जाता है। लेकिन जो विपक्ष है उसने आपत्ति दर्ज की और उसने मत विभाजन की मांग की है, लिहाजा जो प्रक्रिया है मत विभाजन की, यानी कि वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। उसकी प्रक्रिया है कि 3 मिनट तक घंटी बजती है, उस दौरान घंटी सुनकर जितने सदस्य हैं माननीय, वो सदन के अंदर आ जाएं और उसके बाद से दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। फिलहाल दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, उस दौरान ना तो कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है, और उस समय काउंटिंग की जाती है जो अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ है। यानी कि सत्ता पक्ष इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में है, तो वो समर्थन में है, उनकी अभी गिनती हो रही है। उसके बाद से अविश्वास प्रस्ताव के जो खिलाफ हैं विपक्ष, अगर उनकी काउंटिंग होगी और इसी तरह से इसके बाद ये जो अगर बहुमत होता है, अगर ये जो अविश्वास का प्रस्ताव सत्ता पक्ष में दिया है वो पास होता है, तो अध्यक्ष अपने पद से हट जाएंगे और उसके बाद से पेश होगा सरकार का, यानी कि नीतीश कुमार अपने सरकार का विश्वास मत पेश करेंगे और उसके बाद भी बहस के बाद उस पर भी अगर नौबत आती है तो वोटिंग होगी, यानी कि मत विभाजन होगा। फिलहाल तेजस्वी यादव की जो आपत्ति थी वो थी कि बिहार विधानसभा का जो सदस्य नहीं है वो इस वक्त वोटिंग के दौरान क्यों मौजूद है। आमतौर पर जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, लेकिन अगर वो मंत्री हैं तो वो विधानसभा में सदन में मौजूद रह सकते हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त वोटिंग चल रही है, लिहाजा बिहार विधान परिषद के जो सदस्य सम्राट चौधरी हैं, सम्राट चौधरी सदन में मौजूद नहीं रह सकते हैं। ये तकनीकी अच्छा, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात नजर आई रूपेश, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। पंकज झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, खास बात ये रही कि सम्राट चौधरी भले ही मंत्री हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भाई ऐसी परंपरा नहीं रही है, क्योंकि वो मंत्री होने के नाते सदन में मौजूद थे, लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो मैं यहां से चला जाता हूं, और ये कहकर फिर सम्राट चौधरी सदन से बाहर चले गए, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि ऑपोजिशन की तरफ से जो डिमांड की गई उसका मान रखा गया।
जी हाँ बिल्कुल, और विधानसभा के अंदर बिल्कुल सामान्य शिष्टाचार की तरह, और इससे पहले तेजस्वी यादव जो कि विधानसभा के अंदर मौजूद थे, उन्होंने देखा कि उप मुख्यमंत्री जो कि विधान परिषद के सदस्य हैं, एमएलसी हैं सम्राट चौधरी, वो बैठे हुए हैं और वोटों की गिनती होने वाली है विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आई है एनडीए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये नियम नहीं है, इसके खिलाफ सम्राट चौधरी ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है, ये परंपरा रही है, आपको आपत्ति है तो मैं उठकर चला जाता हूँ। और एमएलसी होने के नाते सम्राट चौधरी सदन से उठकर अंदर चले गए और अभी वहां काउंटिंग हो रही है कि आखिर कितने लोग अविश्वास प्रस्ताव जो विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ आया है वो खड़े हैं, सभी ट्रेजरी बेंच के सदस्य, उनकी गिनती जारी है। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि कितने लोग अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ हैं और पक्ष में हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है पंकज, अविश्वास मत पर अब वोटिंग हो रही है, जैसा कि रूपेश भी बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, अब ये वोटिंग के आधार पर ही तय होगा कि अविश्वास प्रस्ताव पर कौन सहमत है और सत्ता पक्ष के फेवर में कौन है।